हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, बहुत सारी कहानी आपसे शेयर करनी है। आज मैं गढ़खाल बाजार से अपने गांव जा रहा हूं। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है आपको पूरा दिखाऊंगा। जो भी रास्ता नया बना है, नया बस अड्डा कहाँ बन सकता है, और जो हमारे गाँव का सबसे नज़दीक वाला बस अड्डा है कहाँ पर है, तो आप वीडियो में बने रहें। जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं भी गढ़खाल में आपका आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। यह है गढ़खाल, और यहाँ पर जो है इधर ये बारिश यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुका है। और ये एरिया है, यह है आपका अल्मोड़ा में आता है एरिया। ये यहाँ से गदेरे से और गांव छोटे छोटे वो आते हैं पौड़ी में। इस एरिया में आपको घोड़े खच्चर काफ़ी नज़र आ जाएंगे। काफ़ी इस एरिया को डेवलप करने में काफ़ी कुछ टाइम लग चुका है। हाँ, तो दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो केवल गढ़खाल मार्केट के लिए। यदि आप जानते नहीं हो तो इस विषय पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पहले भी बनाया था, और बहुत अच्छा। और इस चौथान की तो दोस्तों, अभी हम चल पड़े हैं गढ़खाल मार्केट के सामने, दिख रहा आपको, और यहाँ से हम चल पड़े हैं जलोटिया की ओर। जलोटिया की ओर आप देख सकते हैं सामने इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष जो है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जल्दी बताओ। रेम्बो, सेवन कलर, रेम्बो। हाँ, इसका मतलब है कि बारिश नहीं आएगी, मौसम ऐसे रहेगा। अरे कई कूड़ बनी मामा आता है दिल गो में। अच्छा, तो योग तो पेड़ क्या को प्रो कैश प्रो नो करो जो क्या करो जो भाई साहब मिले थे। हाँ, वाटर पंप क्लीन क्या बोलते उसको, आ रहा हूँ मैंने कहा। अच्छा, तो भाई साहब ये आरो का सिस्टम है। और दोस्तों, आपको एक खबर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्कूल दिख रहा है आपको सामने, इसमें मैंने पास भी पढ़ी है, और ये बहुत डेवलप हो चुका है आज के दिन में। यहाँ पर लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ है। और इसमें ये जो पेड़ लगा रखे हैं, बड़े बड़े पेड़, ये मैंने लगा रखे हैं उस जमाने में। आज से कितने साल पहले भाई, 1995 में मैंने ये पेड़ लगाए थे। 1990 से 1995 तक मैंने यहाँ पर 5 साल अपनी सेवा दी थी इस स्कूल में। और अभी ये स्कूल देखो आप, कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए। सारा परेशान हो गया ना उस समय तेरी मम्मी को, और 11 नंबर भी बोला कि वो भी घर ही छोड़ गया उसने। तो मैंने कहा वीरेंद्र है, ऊपर अंदर आ सकता है। अब भनोल कौन। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं डडोली, तल्ली, मल्ली, सल्ली सब दिखाई दे रहे हैं खोड़ा। और यहाँ से हमको यू टर्न लेना है, और ये बहुत बड़े यहाँ पर एड्रेस दिखाया गया है कि यहाँ पर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जलोटे के लिए जा रही है। तो देखते हैं कैसी जाती है, और आप बने रहिए मेरे साथ। पर यहाँ मेरा हाथ उल्टा हो गया, आप तो कैमरा नीचे के लिए होना पड़ेगा ना, कैमरा ऐसे पकड़ना पड़ेगा। कैमरा पकड़ो भाई, तो वही डालो पूरा दिखाओ, आराम से पकड़ के रखो, पूरा दिखाओ। वो नीचे छोड़ दो, वो है छोड़ दो, वो भी दिखाओ। ये सोल्डिंग से लेकर पूरा देघाट का एरिया, और उधर वो लास्ट क्या बोलते हैं इसको, चौरासी, और इधर से। तो दोस्तों, ये स्कूल की कहानी मैंने आपने आपको बताई थी। प्राइमरी एजुकेशन मेरी जो पहली एजुकेशन थी वो यहीं से हुई, सन 1995 से 2000 तक। तो 5 साल हमने यहाँ सेवा दी, और आज के दिन में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। और फिर कैमरा गया उधर, और आपको दिखाएंगे हमारा गांव। चलो, ग्राउंड बन चुका है यहाँ पर, एक ग्राउंड और ऊपर भी बना रखा है। अरे ग्राउंड में कमी नहीं है, इधर ग्राउंड ही ग्राउंड है, और बच्चों की कमी है। फोटो में सब साफ आ रहा है।
ब्रांड भी है ये ब्रांड क्यों के मंगा से दी बोल यूं मंगा या के के से रेड मोना आते हैं हां अल्लाह तो सोच रहा था चिकन निकाल रहा हूं मैं बकरी है तेरी कुछ मोहम्मद तक हां मैं क्या मत लग रही आशो बकरी है कैसे मैं बाहर ना चल दे रहे हैं ऐसे दिया बाहर मोर नहीं हो जब बीमार हुए तो फौजी साहब आए थे कहा नहीं आए थे नहीं फौजी साहब मरवा के गजब खत्म नहीं आओ दी मुना ना क्या नहीं आने ना क्योंकि बूढ़े खुद ही वहां चले जाते ना मिलने इसलिए नहीं आया ना बूढ़े के लिए क्या बोल तुम्हारे अब तुम इधर से घुमाओ का नहीं बूढ़े का मतलब कहने का मतलब है मेरा वहां पर तो दोस्तों यहां पर एक जमाने में यहाँ पर हम गाय रहते थे हम गुरु यहाँ पर बावन तिथान बोलते हैं इसको यहाँ और आजकल यहाँ पर ये घास हो रहा बहुत ज़्यादा पागल वाला घास और यहाँ पर रोड से ये जो जगह है थोड़ा डेंजर बन गई है नहीं तो पहले बहुत समतल था तो अभी हम चल रहे हैं पौड़ी में बहुत ही जल्दी हम चमोली और अल्मोड़ा में भी आएंगे तो आप बने रहिए मेरे साथ ये सफ़र हो रहा है गणखाल से जलोटिया और जलोटिया का बस स्टैंड आपको नज़र आएगा और ये सामने अरे मेहमान कुछ बाद मेरे को शक्ल आई इसकी मैंने खाई है तो सुथा नहीं लौट मैंने खाई कौन है फुरके बाद और पैशन वाली कौन थी वहां पर दो लड़कियां बैठी थी ना ऊपर से नहीं यार मुझे मालूम नहीं है कौन है बड़ी बाबू से जो पीछे बैठे थे वो पता नहीं जो आगे बैठे थे वो तो सिस्टर हो गई तो हम पहुंच गए अभी यहाँ पर एक ग्वाला भी है कोई है तो दोस्तों यहाँ पर जो पायलट है हमारे उनका गांव दिखाई दे रहा है सामने आपको सामने आपका एक गांव का नाम है माई टंडोला तो गांव का नाम माई टंडोला आप इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखने बहुत मशक्कत करनी पड़ती है लिखने में आप इसको देखोगे तो यूट्यूब में ये नाम आप सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा और फिर आपको पूरी कहानी आएगी इस गाँव की नज़र और हम अपना बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं यहाँ से और आ गया बस स्टैंड क्या यहीं पर अतरों के पानी टंकी भी देखने था नहीं हो अच्छा वो नया प्रधानमंत्री जन औषधि वाला है तो दोस्तों हम अपने स्टैंड पर पहुंच गए हैं आखिरकार 12 घंटे में ये सफर पूरा हुआ 6 घंटे का सफर 12 घंटे में 12 घंटे नहीं 12 ही हुआ कल रात को 10 बजे से हम 10 बजे तक ना तो दोस्तों ये सफर बहुत सुहाना रहा और ये मेरा गांव का बस स्टैंड काफी कुछ अच्छा है यहाँ काफी कुछ विकास हो चुका है देखो सामने रोड पहुंच गई है और ये हमारी गाड़ी है और ये सामान निकालो नीचे बैग निकालो बड़े बड़े उसको ऊपर डब्बे फिक्स करो पहले तो ये है हमारा स्टैंड तली रोडी का बस अड्डा और एक गांव बहुत सारे इधर है यहाँ सोल्टिंग का काफ़ी कुछ दिखाया है इसमें चलो दोस्तों नमस्कार वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें एक लाइक तो ज़रूर करें जगत ऑफिशियल आपसे रिक्वेस्ट करता है वीडियो को शेयर करें और इस सीरीज गाँव की सीरीज को प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स करें।